से चुनाव लड़ेंगे मोदी। कश्मीरी महिला ने की अपील, क्या होने वाला है बड़ा खेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का दौरा क्या किया, कश्मीरियों ने उनसे ढेर सारी उम्मीद बांध ली है। इनमें से एक उम्मीद ये भी कि मोदी कश्मीर की किसी सीट से चुनाव लड़े, और ये उम्मीद आम जनता तो कर ही रही है। इसके साथ ही राजनीतिक जगत से जुड़ी हस्तियां भी इस तरह का बयान दे रही है। जी हाँ, हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग होकर बीजेपी ज्वाइन करने वाली शहनाज गनई ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर ये मांग कर डाली है। सोशल मीडिया पर शहनाज का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह कर रही हैं कि आप कश्मीर से चुनाव लड़ लीजिए। वैसे इन लोकसभा चुनावों में तो ये मुमकिन होता भी नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और इसमें तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी को वाराणसी से टिकट दिया गया है। पीएम एक बार फिर से महादेव की नगरी काशी से चुनाव लड़ेंगे, जिसे लेकर काशीवासी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। अब शहनाज गनई के दिल की मुराद मानकर पीएम नरेंद्र मोदी कभी भविष्य में कश्मीर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये तो वक्त पर ही छोड़ देना चाहिए। फिलहाल ऐसी मांग करने वाली शहनाज गनई आखिर हैं कौन, उनके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। कौन है शहनाज गनई? शहनाज गनई नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूर्व नेता है, 3 साल पहले पार्टी से अलग हुई थी। शहनाज ने हाल ही में बीजेपी की सदस्यता ली है। उनके पिता लाम अहमद गनई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेताओं में से एक थे। शहनाज पुंछ जिले की रहने वाली हैं। साल 2013 में जम्मू कश्मीर विधान परिषद में पंचायत कोटे से एमएलसी बनी थी। शहनाज हमेशा ही बेबाक बयानबाजी और महिला सशक्तिकरण की पैरोकार रही हैं। बीजेपी शहनाज को अनंतनाग राजौरी सीट या फिर उत्तरी कश्मीर बारामूला कुपवाड़ा सीट से उम्मीदवार बना सकती है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।